बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जानवर के अंदर मुँह सड़ा की बीमारी का इलाज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें जी। मेरा नाम नईम अहमद है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों के डॉक्टर हूं, और मैं तकरीबन कोई 12-13 साल से इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका शौक भी है और इसका काम भी कर रहा हूं। माशाल्लाह। अच्छा सर, काफी सारे हमारे व्यूवर्स ने ये पूछा कि जानवरों में मुंह सड़े की जो बीमारी है जी जी, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखें, ये मुंह सड़ी जो है ना, बेसिकली ठीक है, ये एक मतलब हम उसको कह देते हैं कि भाई देहाती टर्म में हम उसको यूज करते हैं, मुंह सड़ी को। ठीक है, ये बड़ी इजी सी टर्म है जिसमें ना हमारा जितने भी फार्मर हजरात हैं उसको समझते हैं। लेकिन मुंह सड़ी बेसिकली दो तरह की है। ठीक हो गया। एक मुंह सड़ी वो होती है जो जानवरों के ना मुंह के ऊपर ना छोटे से दाने निकल आते हैं, खास तौर पर बकरे बकरियों के। ठीक हो गया। एक वो होती है मुंह सड़ी, उसका इलाज डिफरेंट है। ठीक हो गया। एक मुंह सड़ी वो होती है जो थनों के ऊपर निकल आती है। थनों, थन जो जानवर बड़े जानवर की चुआई करते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर निकलती है, उसमें गिल्टी आती है, नीचे से थन बंद हो जाता है, एक मुंह सड़ी उसे भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये जो जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, कि इनके अंदर हम लोग किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कि जो जानवर जो है दूध नहीं दे रहा होता। अक्सर औकात ये होता कैसे है मुंह सड़ी का, जिस वक्त नया जानवर तैयार हो रहा होता है सूने के लिए, सूने के ऐसे 5-10 दिन के बाद पता लगता है कि जी जानवर जो है ना वो गिल्टी है थन के अंदर और वो दूध नहीं आ रहा। ठीक है। बहुत जोर लगा के अगर दूध निकालते हैं तो बड़ी पतली बारीक सी धार आती है, तो पता लगता है कि जी इसके अंदर ये मसला। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली बाज कात ऐसे होता है कि ये समझे ये एक थन है, इस थन के इधर जो है ना वो सुराख बंद हो जाता है। ठीक हो गया। ये सुराख बंद हो जाता है, एक टीट साइफन मिलता है। ठीक हो गया। टीट साइफन, ठीक हो गया। टीट साइफन क्या होता है, वो बेसिकली मेरे पास पड़ा हुआ है, आप व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा, तस्वीर खींच के उसमें डाल दीजिएगा। वो टीट साइफन होता है, उसको बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो ये थन है ना ये यहाँ से बंद हो गया, इसका सुराख बंद हो गया। ठीक हो गया। उस टीट साइफन को हम यहाँ से अंदर डालते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये खुल जाता है। ठीक हो गया। 80-90% जानवर जो हैं यहीं से ठीक हो जाते हैं। आप ऐसे चलाएंगे और माशाल्लाह दूध पूरा हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से उनका मुंह खुला होता है। ठीक हो गया। इधर जाके उसकी गिल्टी पड़ी हुई होती है। ठीक हो गया। ये देखें, ये चढ़ा है इधर। जी जी जी। ठीक है, यहाँ पे है गिल्टी। ठीक हो गया। अब वो क्या होता है, टीट साइफन हमने अंदर डालना होता है। जी जी। वो अंदर चला जाता है। ठीक है। यहाँ जाता है। जी जी। तो जिस वक्त वो अंदर चला जाता है, ये इस गिल्टी को वो क्रॉस कर देता है। ठीक हो गया। क्रॉस कर देता है। क्रॉस करने के बाद उस टीट साइफन को आप पकड़ के ऐसे खींच लेते, बाहर निकाल लेते। ठीक हो गया। ठीक है, जैसे आप बाहर निकालते हैं वो जो उसकी ब्लॉकेज होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मिल्किंग आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एक्सपर्टीज की जरूरत है। इसमें आप एक आम जो मतलब जो फार्मर हजरात हैं वो नहीं कर सकते, ये प्रॉपर एक डॉक्टर ही इस चीज को करेगा, क्योंकि पूरे इस जानवर के जिस्म के अंदर सबसे हसास हिस्सा उसके टीट और उसका अड्डर है। ठीक हो गया। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने उसके अंदर भी थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस बरती है हुँ। वो ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, अब हमें क्या करना है, जिस वक्त हम ये सारी चीज कर लेते हैं जी जी। उसके बाद ये है कि आपने सबसे पहले जो मेन चीजें करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस वक्त भी आपने थन को हाथ लगाना है जी। उसको आपने डिटोल के पानी से वॉश करना है। ठीक हो गया। आपका जो टीट साइफन आप लेके जा रहे हैं उसको आपने स्टेरिलाइज करना है। ठीक हो गया। ठीक है, स्टेरिलाइज ओवन होते हैं, उसके अंदर आप उसको टीट साइफन को रख दें। रखने के बाद उसका जो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जर्म्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो आपने इसके साथ यूज करना है। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जिस वक्त आप उसका वो ये टीट साइफन वाला प्रोसेस करके फारी फ्री हो जाएं, आपने उसका जो अडर है, जो वो थन है, वो पूरा प्रॉपर उससे वॉश आउट करना है। किससे? डिटोल से।
ठीक हो गया। डिटॉल से आपने प्रॉपर उसको वॉश आउट करना, ठीक है। अच्छा, ये वॉश आउट करने के बाद अब आपने इसको इंजेक्शन देना है, ठीक है। इंजेक्शन आपने सबसे पहले तो देना है फेनरामिन मेल्टेट, ठीक हो गया, ठीक है, जिसको जो आजकल हर जगह पे एवल के नाम से मौजूद है, ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं तो एंटी एलर्जी एवल जो है बेसिकली एंटी एलर्जी होता है, ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन वो और बहुत सारी चीजों को भी साथ साथ कवर कर रहा होता है, ठीक है, कोई जर्म्स वगैरह कोई इस तरह की चीज आ गई तो उसको कवर करता है। साथ में आपने इसको एक एंटीबायोटिक दे दें जो कि अंदर कोई थोड़ा बहुत जख्म हुआ है या कोई खराशियां आई हैं वो खुश्क हो जाए। बेसिकली तो इसमें रिकमेंडेड जो हम लोग करते हैं वो यूज करते हैं पेंसिलिन वगैरह, ठीक हो गया, ठीक है, पेंसिलिन का अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने जो मेन मतलब जो है, अगर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा हालत खराब है, ब्लड ज्यादा आ रहा है, स्वेलिंग होती नजर आ रही है, तो आप इसके अंदर कोमोक्सिक्लेव भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन और क्लवेनिक एसिड हो, ठीक हो, जो कि एक आजकल इंजेक्शन आ रहा है क्लेवट के नाम से, ठीक हो गया। अब इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है दोनों इंजेक्शन की, देखें जो एक नॉर्मल डोजेस है, मैं नॉर्मल डोजेस से बता रहा हूँ, अगर जानवर बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से आपने उसकी डोजेस सेट करनी है, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर जानवर मतलब एक स्टैंडर्ड साइज का है, मैं स्टैंडर्ड डोज बता रहा हूँ, 10 cc एवल यूज करना, ठीक हो गया, ठीक है। पेंसिलिन या आपने जो दूसरा जो मैंने आपको बताया जो दो इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन है क्लेवट वो आपने तकरीबन आपने इस्तेमाल करना है तकरीबन 15 cc, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब स्टैंडर्ड साइज से मुराद कोई थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज से मुराद ये होता है कि जो ना जानवर इतना बड़ा है, ठीक हो, ना इतना छोटा है, सही हो गया, दरमियाने साहब का ये है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, स्टैंडर्ड के ऊपर उसी को वो करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो बस उसके हिसाब से जो है ना आप इसको डोज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी आने की वजह क्या होती है, इसके बारे में बताएं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो बेसिकली बीमारी ये आ रही होती है ना, उसकी वजूहात सबसे बड़ी ये है कि जिस वक्त जानवर दूध अपना सुखा रहा होता है, खत्म कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, हम लोग सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है कि हमने उसके थन के अंदर ट्यूब रखनी होती है कि जो दूध को सुखा दे, जो थनों को ठीक रखे, जबरदस्त। अब वो उस वक्त तो हमने किया नहीं, हम 2 दिन का गैप देते हैं, फिर 4 दिन का गैप देते हैं, फिर 8 दिन का गैप देते हैं, फिर हम जानवर को छोड़ देते हैं कि अब दूध नहीं छोड़ा। अब वो जो दूध बीच में रह जाता है वो वहां पे क्लॉट बना देता है, जबरदस्त। वो नेक्स्ट जब आपका लैक्टेशन आती है उसके अंदर आके आपको पता चलता है कि जी हमारे साथ ये इशू हो गया, ठीक हो गया। तो इससे बेहतर है कि जिस वक्त आपका दूध जो सुखाने के लिए जा रहे हैं जिस जानवर का, आप उसको सबसे पहले उसकी प्रॉपर उसका ट्यूब्स यूज करें जी, चढ़वाएं उस पे। तो ट्यूब्स का कोई थोड़ा सा वो बता दें तरीका था। उसमें ट्यूब्स बड़ी आसानी सी हैं, ठीक है, उसका कोई ऐसा नहीं है, मैं हम लोग तो खुद से भी बना लेते हैं चीजें, ठीक है, जिसमें जो है ये अपना क्या नाम है एंटीबायोटिक्स वगैरह एमोक्सिसिलिन वगैरह खुद ही बना के हम खुद ही चला लेते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह वो चला देते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये है कि ये आम फार्मर हजरात नहीं कर सकते, उसमें यह कि बनी बनाई ये ट्यूब मिलती है मार्केट से अवेलेबल, जबरदस्त। उसके ढक्कन उतारें, ईट जहाँ पे है उसका जो सुराख है उसके ऊपर रखें और उसको पीछे से वो कर दें, वो खुद बखुद अंदर दवाई चली जाएगी, दवाई अंदर चली जाए, यहाँ से पकड़ लें थन को और उस दवाई को ऐसे ऐसे करके ऊपर कर दें। तो डॉक्टर साहब ये एक ही दफा लगाने से हो जाएगा? मोर देन सफिशियंट, चारों थनों में अलग अलग एक एक ट्यूब चढ़ानी है, ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता। अच्छा, एक तो ये वजूहत है, दूसरी वजूहत ये है कि जानवर को आपने ट्यूब भी चला दी फिर भी जो है ना थन यहाँ से नीचे से बंद हो जाता है। वो नीचे से बंद इस तरह होता है कि जिस वक्त जानवर बैठ रहा है उठ रहा है तो गोबर वगैरह यहाँ फंस जाता है, वो स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग से क्लॉट बनता है, क्लॉट से वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब आप टीट साइफन थोड़ा सा ऐसे ऊपर को गुजारते हैं ऐसे थोड़ा सा, तो वो खुल के सामने आ जाता है, फिर वो आपकी प्रॉपर लैक्टेशन स्टार्ट, ठीक हो, ये इसका केयर है और इसके यही इसकी ट्रीटमेंट है जिसको हम लेके चलते हैं, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।